बॉस फेम इस एक्टर पर हुआ हमला, बाल बाल बचे स्टार। हादसे से हैरान एक्टर ने दर्ज कराई पुलिस कंप्लेंट। वेल, कौन है वो एक्टर और क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिग बॉस फेम और स्टार प्रियांक शर्मा को उनके फैंस द्वारा बहुत प्यार मिलता है। सोशल मीडिया पर भी प्रियांक काफी एक्टिव रहते हैं। तो हाल ही में प्रियांक के साथ हुआ है ऐसा हादसा जिसका खुलासा खुद उन्होंने ही किया है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर पर 30 जुलाई को गाजियाबाद के एक अस्पताल में एक व्यक्ति ने हमला किया था। प्रियांक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जाँच हो रही है। उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहा था, मेरे पिता भी हमारे साथ थे। चेकअप के बाद प्रियांक ने कहा कि वो कैंपस से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक से एक आदमी ने उन पे हमला किया और उसने उसे मारना शुरू किया। आगे प्रियांक ने कहा, मैं उसका हाथ पकड़ने और उसे पीछे धकलने में कामयाब रहा, खूब हंगामा भी हुआ। अस्पताल के दो लोग मेरे बचाव में आए और मैं वास्तव में उनका आभारी हूँ। जिस व्यक्ति ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की वो भाग गया। ये एक बड़ी भयानक स्थिति थी। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रियांक ने आगे कहा, हमने सीसीटीवी फुटेज के लिए बाद में अस्पताल में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के सिक्योरिटी ने हमें ये नहीं दिया। अभी फिलहाल तो मामला दर्ज किया गया है। वह प्रियांक शर्मा के साथ हुआ है भयानक हादसा जिसका खुलासा करते खुद प्रियांक ने कहा कि वो सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल थी। उन पर एक व्यक्ति ने हमला किया है, उस बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो शुक्रगुजार है कि उस हमले से वो बच निकले हैं। फिलहाल तो मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है। अब देखना होगा कि इसका खुलासा कब होगा, कौन है इस हमले के पीछे और क्या है ये पूरा मामला। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियांक शर्मा इन दिनों वेब शोज में अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो वही प्रियांक ने अपने करियर की शुरुआत रोडीज से की थी, जिसके बाद वो स्पिट्स विला और बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। फिलहाल तो प्रियांक से जुड़ी यही बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रियांक हाल ही में हमले का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप देख रहे थे फर्स्ट इंडिया टेली।